आदित्य जी कंग्रेचुलेशंस, मुबारक सर, मुबारक हो सर, मुबारक हो सर, कंग्रेचुलेशन सर। सर मैं बोल रहा हूँ प्रभाकर चंद, आपका सर लकी ड्रॉ में 32 इंच का कलर टीवी निकला है, मुबारक मुबारक। अरे किस कंपनी में निकला है सर? आपने डीटीएच लगवाया है उसके प्रेफरेंस में हम लकी ड्रॉ निकालते हैं सर। अच्छा। एक बात बताओ तो क्या खा के आपने डीटीएच लगवाया था? मतलब यार 32 इंच का कलर टीवी, मैं अभी यही देख रहा था, मैंने कहा यार भगवान को ना देर नहीं लगती कुछ देने में, मतलब ऊपर वाला जब देने पे आता है ना, ये देखा है मैंने, मतलब अच्छो अच्छो को दे देता है सर। 32 इंच का कलर टीवी फ्लैट एकदम। क्या खा के क्या लगवाया बस? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। मुबारक हो सर एक बार और, बहुत बहुत मुबारक हो सर। कम मिलेगा फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाएगा, गिफ्ट टैक्स जो होता है ना वो आपको देना पड़ेगा 1600 रूपए, मतलब कंपनी लेती है 1600 रूपए में आपको वो 32 इंच का। एक सेकंड रुकिए, गिफ्ट टैक्स शुड बी 1600 रूपीज, 1600 रूपए आपका गिफ्ट टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा, और 1600 रूपए में आपको 32 इंच का कलर टीवी मिल रहा है सर। एक काम करो आप, गुड़गांव आके 1600 रूपए का चेक दे दो सर हमें, और जब चेक क्लियर हो जाएगा आपको 3 दिन लगेंगे उसमें, 3 दिन के बाद आपको हम टीवी भेज देंगे। दो बार आना पड़ेगा ना, पूरे दिल्ली पाकर में गुड़गांव आऊँ तो फिर एक काम करो आप, एक काम करो ना, टेलीफोन बैंकिंग करते हो आप? मैं करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ना, टेलीफोन बैंकिंग पे आप 1600 रूपए हमको दे दो, 1600 रूपए आप चार्ज कर लेंगे आपसे, उसके बाद आपके घर टीवी भेज देंगे, आपका चक्कर भी बच जाएगा। सर अगर मैं आपको पैसे दे दूँ और टीवी ना पहुँचे फिर? सर यही बात पिछले जो हमारे लकी ड्रॉ में एक बंदे ने कही थी, फिर हमने कहा था भाई चलिए आपकी मर्जी है, आज मत्था मारता है अपना दीवार में, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्लियर होगा और आपके तो हाथ पे है, आपको पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो सर? मेरे घर थोड़ी आ रहा पैसा। अमाउंट कितना करोड़ अमाउंट कितना जगह 1600 इंडियन रुपीज सर, 1600 देना पड़ेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है छोड़ दीजिए सर, मैं तो कह रहा हूँ इंसान को अगर यकीन हो तो छोड़ दीजिए। ईसीएस से मांग रहे हैं तो ईसीएस से मैं आपके उस पर कम क्लेम में करूंगा। वैसे आपकी मैं आपको टेलीफोन बैंकिंग पे डाल रहा हूँ, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना, जब मैं बोलूंगा पासवर्ड डाल देना, उसके बाद अमाउंट डाल देना, ठीक है? ठीक है, एक मिनट में डेबिट कार्ड निकाल लो। मास्टर है वीजा? वीजा है, वीजा है, कोई बात नहीं, डाल रहा हूँ, आपको निर्देश देता रहूंगा, आप वो कर देना, ठीक है? ओके। डेबिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड नंबर डालिए, 16 अंकों का दे रखा होगा। डाल दिया सर मैंने, अमाउंट डाल दीजिए सर 1600, मेक श्योर सर 1600, एक पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमको भी अच्छा। मतलब ये रहता है कि भाई 1600 डाल दीजिए सर। एटीएम पिन डाल दीजिए सर, डाल दीजिए सर। राइट सर, एक सेकेंड, आ गए सर, आपके अकाउंट से कट गए सर, आप बाद में चेक कर सकते हैं कि रिसिप्ट आपको जब मिल जाएगी जब आप टीवी लेने आओगे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए आपको टीवी कहाँ लगवाना है, क्योंकि मैं फिटिंग के लिए भी एक कंपनी भेज रही है। सर जो मैंने एड्रेस बताया वहीं पर लगवाना है मुझे, यही है, वहीं पर रहता हूं। क्या ले जाना वहाँ? सर टीवी वो तो कौन सी कंपनी का है? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला यार, बाकी पूरी वो ऐसे पूरी है ना। एक सेकंड होल्ड करिए सर आप जरा, नहीं तो पहले बताना चाहिए था, मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं खुद बात कर ले आके यार। नहीं इंच इंच और साइज का क्या मतलब होता है? नहीं इंच में तेरे गधे के बच्चे, तेरे को ये नहीं पता इंच क्या होता है साइज क्या होता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ तेरे को लास्ट वार्निंग दी थी बॉस ने कि इस तरह काम करेगा नौकरी से निकाल देगा तेरे को। हेलो बेकार में यार, फिर अपनी वो बहस करती है, तुझे साइज और इंच में पता नहीं है क्या? कुछ ट्रेनिंग दी है तेरे को 6 महीने की कि साइज क्या होता है इंच क्या होता है? मुझसे बात करो ना, क्या बात होगी जब मैं इस बात पर गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा मैं कर रहा हूँ सर, बेकार की बात है, गुस्सा आप भी करोगे, आप भी करोगे गुस्सा। प्लेन टीवी है, एलईडी है, वो इंच और उसमें कंफ्यूज हो गए सर हमारे डिपार्टमेंट वाले, इंच और साइज में, इंच और साइज में कंफ्यूज हो गए। हाँ क्या सर, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला था, इन्होंने 32 इंच लिख के टीवी लिख दिया, अब इंच और इनको नंबर भी पता नहीं है, मतलब टीवी निकला, मतलब यार बंदे का अंडरवियर निकला है, तूने ये लिख चुका वो निकला 32 इंच का टीवी। आप कह रहे हैं क्या निकला है? अरे सर इनकी गलती है, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला है गिफ्ट में, इन्होंने इंच समझ के ना, किसी ने लगा के चलो 32 इंच है तो टीवी होगा, तो इन्होंने टीवी लिख दिया था, और है एक्चुअल 32 इंच का अंडरवियर। यार मतलब कम से कम बंदे को ये बताओ कि यार आपका ये निकला है, वो भी देख रहे हैं अंदर ऑफिस में कैसे लगा दिया, अब टीवी तो इनके घर जाएगा नहीं क्योंकि इनका अंडरवियर निकला है, लेकिन मान लो मैं इनके घर अगर टीवी भेज देता हूँ गलती से, इन्होंने अगर टीवी पहन लिया तो, और मैं अगर अंडरवियर भेज देता हूँ तो गलती से इन्होंने दीवार पे अंडरवियर लगा के पूरी फैमिली देखने लगी, तो कंफ्यूजन तो आपके डिपार्टमेंट से है ना, मेरा काम नहीं है ये इन्फॉर्म करना।
मेल में लिख के भेज रहा है 32 इंच का टीवी निकला है यार, बेकार की बात है, मेरा भी समय खराब कर रहा है सर, यही वजह है। अभी आप जरा मुझे एक बार क्लियर करो पहले। हाँ, ये जो मेरे 1600 रुपए गए हैं, ये क्या मेरे अकाउंट से निकल गए हैं? आपके अकाउंट से निकल गए 1600 रुपए और आपका 32 नंबर का अंडरवेयर निकला सर। ये कौन सी कंपनी है जो कि सारी अंडरवेयर निकाल के दे रही है उसके नाम में, के नाम में जो अंडरवेयर निकला है? देख सुन, अब सुन, ऐसी डांट पड़नी चाहिए तेरे को, सुन। अब बिना कंफर्म किए तुमने तेरा डेबिट कार्ड और ये जो अमाउंट और दूर से पास करने से बात नहीं कर सकता मैं उससे। ये देख, तेरी वजह से आज डांट खानी पड़ रही है मेरे को, उनकी कोई गलती है? ये मेरे पैसे कैसे रिटर्न होंगे? पैसे तो रिटर्न नहीं होंगे सर, अब आपको वो ये 1600 रुपए के अंडरवियर भेजेंगे, 52 अंडरवियर बैठ रही है सर, कलर बता दो कौन कौन से लेने हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया, कौन बोल रहा है तू? निकालती है अंडरवियर भी निकालती है, तो ये कैसे पता कि साला मैं कौन से साइज का पहनता हूँ? आप भी वैसे ना अकलमंद आदमी ज्यादा बन रहे हो, आप हमसे कह रहे हो कि हमको कैसे पता कि 32 नंबर का अंडरवियर पहनते हो, जब मैं 32 इंच का टीवी निकाल रहा था जब तो नहीं बोले, आपको कैसे पता मैं 32 इंच का ही टीवी देखता हूँ? अभी तो आप लालच में दिखा रहे हो, ये पैसे वापस नहीं दे सकते। पैसे कितने अंडरवियर कलर भेजो, व्हाइट भेजू? व्हाइट कॉम्बिनेशन बना के पहनोगे सर? व्हाइट येलो ब्लू लाल ब्लू लाल, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना दूं? 17 अंडरवियर बन रहे हैं आपके, 17 नहीं बल्कि ज्यादा बन रहे हो। तू सामने आ जा, इतना कलर बनाऊंगा मैं ना आगे दूंगा तू। टीवी निकला बाद में निकला। आपका नहीं निकला कुछ भी, आपका वक्त बुरा निकला था, थोड़ी देर के लिए वो भी चला गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे आपको, मुर्गा। एक बात बताएं सर, अंडरवियर कौन से नंबर को पहनते हैं यार? निकला अंदर निकला।